भारत जोड़ो यात्रा का 50वां दिन आज सुबह 5:25 पर ध्वजारोहण के साथ हुई शुरुआत। तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्तल से शुरू हुई यात्रा। 3 दिन के ब्रेक के बाद फिर शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। 50वें दिन यात्रा की शानदार हुई शुरुआत। ढोल बजाते नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी के लिए लिखा भावुक संदेश। ट्वीट कर बोले राहुल, मुझे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज राज्य के दौरे पर पहुंचे पीएल पुनिया, कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। राम रहीम को पैरोल दिए जाने पर गुस्साई दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल। बोली, सरकार के डिप्टी स्पीकर और मेयर ले रहे राम रहीम के कार्यक्रमों में भाग, घिरी हरियाणा सरकार। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया गंभीर आरोप। आप संयोजक को बताया भारतीय जनता पार्टी की ड्यूटी। आप और उपराज्यपाल के बीच जारी घमासान। विनय सक्सेना के छठ पूजा से संबंधित बयान पर आप ने जताया विरोध। कहा, सस्ते प्रचार के भूखे हैं एलजी। महबूबा मुफ्ती को सरकार का नोटिस। पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख को 15 नवंबर तक सीएम आवास खाली करने का दिया आदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद में भरी हुंकार। सेक्टर 12 में जन उत्थान रैली को किया संबोधित। पदाधिकारियों संग बैठक भी करेंगे शाह। देश में कोरोना की धीमी हुई रफ्तार। एक्टिव केसों में दर्ज हुई गिरावट। एक्टिव केस की संख्या 21,607 से घटकर हुई 20,821।